तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ही शिरकत नहीं की। बैठक में शामिल मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी सहयोगात्मक रवैये के साथ विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेगी। मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक स्पीकर कक्ष में बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री, श्रम मंत्री आजसू की तरफ से सुदेश महतो, माले की तरफ से विनोद सिंह और निर्दलीय सरयू राय ने हिस्सा लिया। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार कर जता दिया कि आने वाले सत्र में उसकी मंशा क्या है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की गैर मौजूदगी को बहुत अहमियत नहीं दी। मौजूदा सदन कितना महत्वपूर्ण है और कितना संवेदनशील होना चाहिए और सरकार पूरी तरीके से तैयार है वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं वगैरह निवेदन भी करेंगे कि लोग अपना महत्वपूर्ण सुझाव सदन को अवगत कराएंगे। पता कि क्यों नहीं आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी का उनका निमंत्रण जरूर गया होगा। निश्चित रूप से पूरी तरीके से उनके अगर कोई संशय है या कोई विषय है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं और ये देखना भी चाहिए। बैठक में मौजूद वरिष्ठ और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि पहले दिन का सेकंड हाफ परिचर्चा में सवाल हो तो बहुत बेहतर रहेगा। तो यही निर्णय हुआ कि कल सदन का जो सत्र होगा उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और निर्णय करेगी। बैठक में मौजूद आजसू के विधायक दल के नेता सुदेश महतो ने कहा कि आगामी सत्र में जातिगत जनगणना पर जरूर विधायकों की राय लेकर केंद्र को भेजनी चाहिए। चार दिन का मूल सत्र और एक पांच दिन का जो सत्र है, इसके सारे विषय वर्णित किए गए हैं। सारे वर्णित विषयों में हमने विधायक दल के हैसियत से इस राज्य के लिए और देश के लिए जरूरी विषय हमने आग्रह किया आदरणीय अध्यक्ष जी से और ऑल पार्टी जितने भी विधायक दल के नेता थे कि जातिगत जनगणना एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को हमारे विधानसभा पटल में लाना चाहिए और विधायकों की भावना, दल की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार को इंगित करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। लगभग सभी लोगों ने इस बात को लेकर सहमति जताई है। कल कर मंत्रालय में इसको रखा जाएगा और ये ज्वलंत विषय इस विधानसभा लाने की पहल हम सब मिलकर करेंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा सत्र राज्य के तमाम जरूरी मुद्दों को चर्चा में लाएगी और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। को संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। हो सकता है कोई कारणवश कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हमारा जो कोरम है, मैंने अधिकांश सदस्य लोग पहुंच ही गए थे, मुख्य विपक्षी दल का लोग नहीं आ पाए थे। तो हमारा जो कार्य मंत्रणा समिति का जो बैठक होता है, उसी बैठक में तय होता है कौन सा विषय और कौन सा फोरम में, कौन सा प्लेटफॉर्म में उसको हम लोग उठाएंगे। तो जैसे कार्य मंत्रणा के बैठक में अगर ये सब बात आता है तो हम लोग विचार करेंगे। पहले दिन ही सर्वदलीय बैठक में शामिल ना होकर बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाला सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। सरकार इसी बीच सप्लीमेंट्री बजट और कुछ जरूरी बिजनेस के काम को सम्पन्न कराकर अपनी जरूरत पूरी करेगी। न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।